तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने गणपति जी को लेने के लिए। हमारे गणपति जी न्यू ब्लॉग। तो आज है गणपति स्थापना, तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है, हम लोग भी रेडी हो गए हैं, डेकोरेशन भी कंप्लीट है, बस पंडित जी आएंगे और उससे पहले हम लोग को गणपति जी लेकर आने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गणपति जी को लेने के लिए, फिर उसके बाद आपको घर पे आके दिखाऊंगी कि हमारे डेकोरेशन कैसी हुई है। पापा रेडी हो गए हैं और मैं तो ऑलमोस्ट रेडी ही हूँ और पहले ही रेडी हो गई थी पापा से। तो अब चलते हैं हम अपने गणपति जी को लेने के लिए। इस बार ना मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी का ऑर्डर दिया था, लास्ट ईयर भी उनके यहाँ पे ऑर्डर देकर आई थी और इस बार भी मैं उन्हीं के यहाँ पे ऑर्डर देकर आई हूँ। तो वो इको फ्रेंडली गणपति जी बनाते हैं, प्योर मिट्टी के गणपति जी बनाते हैं, तो इसलिए मैं इस बार और फिर से उनको ऑर्डर देकर आई थी। तो वो अपने घर पे इको फ्रेंडली गणपति जी बनाते हैं, तो उनके घर पर चलते हैं, उनके यहाँ से अपने गणपति जी को लेकर आते हैं। तो मैं और पापा जा रहे हैं बाइक से गणपति जी को लेने के लिए और मैं लेकर आऊँगी, पापा बाइक चलाएंगे। तो चलो चलते हैं और अपने प्यारे से गणपति जी को लेकर आते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने गणपति जी को लेने के लिए अंकल के घर पर और ये भैया हमारे गणपति जी को पैक कर रहे हैं और हम लोग अपने घर से ये साथ में लाल कलर का कपड़ा लेकर गए थे और इससे हम लोग ना अपने गणपति जी को ढककर लेकर जाएंगे अपने घर पर। तो इनको लेकर चलते हैं। अरे हमारे गणपति जी, चलो अब इनको घर पर लेकर चलते हैं। मैं लेकर आ चुकी हूँ अपने प्यारे से गणपति जी को घर पर पापा के साथ और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई। मैं बाल खोल कर गई थी तो ऐसी और होगी और बिंदी और छूट गई थी, तो बिंदी दोबारा आकर मैंने लगाई है। तो बस अब पंडित जी आने का वेट हो रहा है, पंडित जी आएंगे तभी वो स्थापना करेंगे हमारे गणपति जी की, तो उनका ही वेट हो रहा है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे हैं, तो उन्होंने मैं 9:15 बजे तक का टाइम दिया था, तो 9:15 बजे तक वो आ जाएंगे और तब गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो गाइस पंडित जी आ चुके हैं और वो अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखो नथ पहन ली है, मेरा वो मन कर रहा था कि मैं आज जो महाराष्ट्रीय नोज पिन पहनूँ, तो मैंने ये पहली कैसी लग रही है, ठीक ठाक ही लग रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, तो प्रॉपर लुक लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब गणपति जी की स्थापना होनी बाकी रह गई है और बस अब थोड़ी सी देर है और गणपति जी फाइनली हमारे घर पे स्थापित हो जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, पलक आ गई है और हमारी प्यारी छोटी सी तन्वी आ चुकी है ना। तन्वी इधर आओ, कैसा लग रहा है, इतनी लाइटिंग कैसे आ गई भाई, ओ लाइटिंग आया वो हो गए। और पलक कैसी हो, बढ़िया, काफी दिनों बाद आई हो वैसे आज। हाँ मुंह उंगली क्यों दे रही है। आप लोगों को मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि आज मेरी दोनों बहनें स्कूल गई है पढ़ने के लिए, उन लोगों ने छुट्टी भी नहीं करी, एक्चुअली उनको ना एक कॉम्पिटिशन में जाना था, तो जिसके लिए आज फाइनल रिजल्ट मिलेगा उन लोगों को, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल की छुट्टी नहीं करी है, तो वो दोनों गई हुई हैं अपने स्कूल, इसलिए आज वो हमारे ब्लॉग में आएंगी नहीं। बट उन दोनों की जगह की कमी पूरी ये दोनों कर रही है तो हमारे साथ आराम से इन दोनों के साथ हमारी मस्ती हो जाएगी। और आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, इसलिए आज की छुट्टी है मेरी कल। तो चलो अब गणपति जी की स्थापना करते हैं। सर्वांगेष्णान्यं समर्पयामि।
उन्हें आरती में ये देखो नानी हमारी सबसे लास्ट में आई है, सबके जाने के बाद नानी आई है आज हमारी। पता नानी ना बहुत ज्यादा लेट आई है क्योंकि उनको लगा पंडित जी ना लेट आएंगे, इसलिए तो मैं जब तक पहुंचूंगी ना तब तक पंडित जी आ जाएंगे। बट हुआ क्या, पंडित जी इस बार बहुत जल्दी आ गए और नानी लेट हो गई। बाकी सारे हमारे जो भी नेबर्स आए थे ना वो भी लेट आए थे, पंडित जी भी इस बार बहुत जल्दी आ गए थे। तो पंडित जी ने स्थापना कर दी है और सब लोग जा चुके हैं, बस नानी बची है घर पर, तो नानी भी चली जाएंगी। नानी तो अपनी है, नानी जब को जाना होगा ना तब नानी चली जाएंगी। तो अब करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, एंड कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।